श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है, धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है, कारोबार नीचे गिर रहा है, मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, घर में सब कुछ ठीक नहीं, कोई भी चीज़ ठीक नहीं चल रही, बच्चे नहीं बात मान रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तो आपको ये उपाय करना है। गुप्त नवरात्रों में किया गया ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। गुरु जी कहते हैं अगर आपने ये उपाय गुप्त नवरात्रों में किया तो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो इस उपाय को आप कीजिए। गुप्त जो नवरात्रे स्टार्ट हुए हैं 19 जून से, आप किसी भी दिन कर सकते हैं उपाय। इस उपाय में को आपको बस ये ध्यान रखना है, इस उपाय को आपको रात में करना है, 8 बजे के बाद करना है। इस उपाय में क्या करना है, पहले तो आप बताएं, इसमें आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, और फिर थोड़ा सा कुमकुम, और थोड़े से साफ़ सुथरे चावल, बिल्कुल भी चावल टूटे फूटे ना हो। तो आपको क्या लेना है, कुमकुम, हल्दी और चावल। इन सामग्री को लेकर आपको अपने घर के मंदिर में जो माता रानी का कोई भी स्वरूप हो, चाहे लक्ष्मी माता का हो, चाहे सरस्वती माता का हो, चाहे देवी माता का हो, कोई भी स्वरूप हो, फोटो हो या मूर्ति हो, उसके सामने सबसे पहले आपको लगाना है हल्दी का टीका। फिर आपको ओम एम ह्लीम क्लीम चामुंडाय बिच्छे, नीचे मंत्र दिखाया जा रहा है, इसका उच्चारण करना है। उसके बाद आपको कुमकुम का टीका माता रानी को लगाना है, और उसके बाद में चावल। अब ये सब आपने पूजा कर ली, वैसे आप जो भी पूजा करते हैं शाम के समय वो कर लीजिए, लेकिन उसके मतलब आपको ये सब सामग्री लेकर इस तरीके से पूजा अवश्य करनी है। अब उसके बाद थोड़ी सी जो हल्दी बच गई है, थोड़ी सी आप अलग हल्दी ले लीजिए, उसमें आपको गाय का देसी घी मिलाना है। जो आप अभी हल्दी लेंगे वो थोड़ी ठीक मात्रा में लीजिए, जिससे कि 5 स्वास्तिक बन पाए। अब आपको जो आपने ले लिया, आपने उसमें देसी घी मिला लिया, अगर गाय का देसी घी उपलब्ध नहीं है तो आप गंगा जल मिला लीजिए। अब उस स्वास्तिक वो जो आपने हल्दी तैयार की है, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने घर का मुख्य दरवाज़ा है, जो मेन गेट होता है जहाँ से आप प्रवेश करते हैं अपने घर में, वहाँ दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड, यानी उल्टे और सीधे तरफ दोनों तरफ आपको एक एक स्वास्तिक उस हल्दी से बना देना है। और जब आप स्वास्तिक बनाएं तो आप इस मंत्र का जाप अवश्य करें। अब आप 2 स्वास्तिक बना लिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको आना है अपने घर के रसोई घर में, वहाँ आकर आप जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ किसी स्थान पर आपको स्वास्तिक 1 बना देना है। वहाँ जगह नहीं हो तो आप जहाँ गैस का चूल्हा अपने रखते हैं वहाँ दीवार पे, किचन में कहीं भी आपको एक स्वास्तिक बनाना है, उस मंत्र का जाप करना है। 3 स्वास्तिक हो गए, उसके बाद 4th स्वास्तिक आपको बनाना है अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में आप को स्वास्तिक हल्दी से बनाना है। अगर पहले से स्वास्तिक बना हुआ है तो आप उसी के ऊपर फिर स्वास्तिक बना दीजिए हल्दी से। अब 1 स्वास्तिक रह गया है, वो आपको बनाना है अपने घर की तिजोरी में, जहाँ आप धन रखते हैं, जहाँ आपका पैसा रहता है। तो आप चाहे जो भी जगह हो जहाँ आप पैसा रखते हैं, उस जगह आपको 1 स्वास्तिक बना देना है। तो ये उपाय आप गुप्त नवरात्रि में कीजिए, देखिएगा आपको जरूर लाभ मिलेगा, आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी शांत होंगे। तो इस उपाय को आप अवश्य कीजिए, देखिएगा आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जय माता दी।